हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अभी सीन ऐसा है कि मैं यहाँ पे आ रखा था एक हीरो की शूट करने। बाइक का नाम रहने वाला है हीरो एक्सट्रीम 160R स्टील्थ मॉडल, स्टील्थ 2.0। मतलब वो जो मॉडल है उसको नाम दिया इन्होंने स्टील्थ, ठीक है जी, स्टील्थ 2.0। तो कलर स्कीम भाई जो बात है मुझे पर्सनली पसंद आई। देखो कैसे बच्ची बची है। स्कूल के बच्चे बिना रोड देखे क्रॉस करते हैं भाई, वो कहीं ना कहीं रिस्की होता है। मतलब सामने वाले को भी उसमें डालते हैं प्रॉब्लम में और खुद भी आ जाते हैं। तो भाई प्लीज़ छोटे छोटे बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से रोड क्रॉस करो। तो अभी क्या सीन है कि उसका मैंने शूट तो प्रॉपर कर लिया है, वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगी कल या परसों, ठीक है जी। बाकी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना भाई। मैंने कहा जा रहा हूँ तो यार मोटो व्लॉग बनता है आप लोगों के लिए। बिकॉज देखो अभी क्या सीन है कि जितना हो सके वीडियो में सोच रहा हूँ डाल दूँ, क्योंकि ना मैं अभी जाने वाला हूँ छुट्टी पे। छुट्टी मींस मैं राइड पे जाऊँगा तो यूट्यूब की छुट्टी रहती है उस टाइम पे। बाकी कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं जो भी होटल में स्टे करूँ वहाँ पे वाईफाई मिल जाए मुझे। उससे क्या होगा कि मैं वीडियो साथ के साथ अपलोड भी कर पाऊँगा। बाकी देखो भाई राजस्थान आना जो है वो मतलब पक्का होता जा रहा है अपना धीरे धीरे, क्योंकि अभी क्या इलेक्शन भी हो गए हैं तो अब बस निकल ही जाएंगे टाइम देखकर फटाफट से। सारी तैयारी तो हो रखी है, क्योंकि देखो यार तैयारी में क्या होता है कि अपनी बाइक को जो है ना बस चेकअप कराना होता है और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो देखनी होती हैं। बाकी तो तैयारी तो और कुछ होती नहीं है सच, ठीक है जी। क्योंकि देखो ये जो राइड होती है नॉर्मल तो इसमें इतना सोचना नहीं पड़ता। हाँ लद्दाख स्पीति वगैरह कर रहे हैं या और लंबी राइड कर रहे हैं तो उसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट अभी जो राजस्थान में जा रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ के लिए कोई मुझे सच सामान परचेज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सारा सामान तो ऊपर वाले के कर्म से अपने पास है ही। बाकी बस अब बाइक को सेट कराना है, बाइक की सर्विस कराऊंगा, उसकी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। काफ़ी डिमांड आई थी कमेंट सेक्शन में कि भैया जब स्प्लेंडर की वीडियो सर्विस कराओगे तो वीडियो ज़रूर बनाना, तो वो बना देंगे आप लोगों के लिए। बाकी इंजन चेक लाइट उसमें जा चुकी है, अपने आप चली गई, आप कभी आएगी तो वो देखी जाएगी। वैसे तो मैं इस बार राइड पर जाऊँगा राजस्थान उसको लेकर, तो मैं OBD स्कैनर जो है मेरे पास पड़ा हुआ मैं उसको साथ में लेके जाऊँगा। उससे ये होगा कि अगर राइड के टाइम पे भी अगर आती है तो मैं वहाँ पे उसे ठीक कर पाऊँगा आराम से, कोई दिक्कत हुई तो, ठीक है। बाकी तो सब बढ़िया है फ़िलहाल। अब ये जगह जो है ये दिल्ली की लाजपत नगर एरिया है, ठीक है जी। और ये जो है फुल ऑन मतलब कमर्शियल बोलूँगा, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है लाजपत नगर का ये सारा का सारा जो है मॉडिफिकेशन वाला मतलब बोलूँगा पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो है ना कार मॉडिफिकेशन वाले बंदे हैं। अपनी कार को आप यहाँ पे लाओ, काम करवाओ, कार में चार चांद लगवाओ, तो वो चीज़ है। बाकी अब मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल घर। ओ भाई साहब रेजा, चलो की देख रहे हो तुसी मेरे दोस्तों मेरे पीछे बैठे हुए पुन्ना भाई, ठीक है जी। तो पुन्ना भाई क्या है, अभी बता दो कहानी हुई क्या। जब मैंने अभी थ्रॉटल दिया तो पुन्ना भाई दोनों टांगे ऊपर हो गई। अरे भाई साहब आराम से। तो पुन्ना भाई की दोनों टांगे ऊपर हो गई ऐसे, देखो ऐसे क्यों, क्योंकि बाइक की ना एक तो पिकअप दिया मतलब पिकअप आया, और दूसरी चीज़ ये थी कि सीट जो है ना उस पर लग गई कल गलती से पॉलिश। मतलब मैंने बाइक को वॉश कराया, वॉश करा के मैंने कहा यार जब वॉश हुई तो पॉलिश तो करना बनता है, तो मैंने पॉलिश वॉलिश कर दी तो सीट पे भी थोड़ा सा लगता है गिर जाती है पॉलिश, तो फिर उस पर कपड़ा मार देता है बंदा साफ़ करने के लिए। साफ़ के चक्कर में सीट भी चमक गई है। अब सीट जो चमक गई है भाई उसमें क्या स्लिपरी हो रहा है मामला। तो पुन्ना भाई कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। पुन्ना भाई स्लिप विलिप तो नहीं हो जाओगे? नहीं नहीं नहीं, टांग कैसे उड़ी। तो अभी सीन ये है, चलोगे ही चलोगे फिर राइड पे, बता दो राइड पे चलोगे? हाँ। देख लो दोस्तों आपने इनकी आवाज़ सुन ली है, ये बंदा गौरव का बड़ा भाई है। अगर ये नहीं गए ना तो दुकान पे आके फिर तुम देख लेना अपने आप, ठीक है जी। कार्रवाई बैठा देना इनकी तो अभी क्या आप घर ही जा रहे हैं? बाकी अपनी खुशी लेके नहीं आया था मैं, इसको लेके आया था क्योंकि यार देखो रिव्यू करने जा रहा था, फिर दूसरी चीज़ ये थी कि इसको वॉश कराया था, तो मैंने कहा चलिए इसको चलते लेके, क्योंकि खुशी जो है ना वो एक तरह से उत्तराखंड राइड करने के बाद वो रेस्ट पे चल रही है, तो उसे भी रेस्ट पे रहने दो, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा अभी चलेगी लंबी अभी वो ज़्यादा, तो मैंने कहा सर्विस वर्विस कराएं उसके बाद ही निकालेंगे उसको, है ना भाई। क्या बात है जी, सर्दियों में सूरज चाचू जब निकले होते हैं ना तो भाई साहब अलग ही आनंद आ रहा होता राइड करने का, सही बता रहा हूँ। खासकर बाइक पे, वह तो यार कार में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता,
खूबसूरत चाचू हैं या नहीं, क्योंकि शीशे से बंद हो जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे रिलेट ऑन है भाई, निकल लो यहाँ से। NS 160 Keep safe distance. My mom is waiting at home. ये सही कहा बंदे ने भाई, ये सही कहा। बट अगर ये गलत चलाएगा गाड़ी तो गलत है भाई ये, क्योंकि जो इनने पीछे वो लगा रखा है स्टिकर, बोलूँगा एक तरह से कि भाई सेफ चलो, डिस्टेंस मेंटेन करो, और मेरी मॉम जो है वो घर पे वेट कर रही है मेरा, तो वो ठीक है, अच्छी बात है। बट ये खुद तेज ना चलाए भाई। कलर स्कीम मुझे अच्छी लगती है, ये वाली जो 125 में आती है ना, ये स्कीम अच्छी लगती है मुझे कलर स्कीम। लेकिन बताऊँ, अपनी वाली ज़्यादा बढ़िया है भाई, पीली। क्या बात है जी, क्या बात है। दोस्तों इसको बोलते हैं मिनी कूपर। जबरदस्त कार है भाई, जबरदस्त कार है ये। तो खैर इसका सेकंड वर्जन है, जो पहले वाला आया था ना वो इससे भी ज़्यादा क्लास लगता है मुझे। स्कूटी वाला जो भाई है वो पंप हो चुका है, स्कूटी वाला भाई जो है फुल पंप हो चुका है। स्कूटी को बना रहा है नागिन, इसको देखते हैं हम, मतलब हम भगाएंगे नहीं, बस खाली इसके देखेंगे कर्तव्य कि कैसे कर रहा है ये। देख रहे हो, देख रहे हो, ये लौंडा फुल जोश, देख रहे हो पुन्ना भाई, फुल पंप है, फुल पंप। और ये रेस किससे लगा रहा है? NS से। इसको ये नहीं पता कि भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन बंदा फुल जो है चौड़ में है। हाँ, नाम भाई का है फैजान, लिमिटेड एडिशन एक्टिवा। क्या बात है, मस्त है भाई। क्या चलाई है यार, मैं कह रहा हूँ क्या चलाई है, एकदम साफ बना दिया साफ। नाजिम, नाम तो फैजान है लेकिन नाजिम होना चाहिए तुम्हारा नाम। नाजिम साफ बना दे, साफ है। आराम से चलाओ, आराम से। लड़का जो है, वैसे मैं बताऊँ इसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा, इसकी जो शक्ल थी ना बच्चे जैसी लग रही थी ना शक्ल। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, सेफ चलाए, बढ़िया चलाए, हम तो ये बोलते हैं। बाकी मिल जाते हैं कभी कभी दोस्त ऐसे अपने। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours. बेचारे पुन्ना भाई सुन बैठे हैं पीछे, वो कह रहे हैं यार जल्दी से पहुंचे हम और मैं उतरूं, बोर हो गए। पता है वहां पे भी इनको बैठा दिया, मैं शूट कर रहा हूं बाइक का और ये आराम से बेचारे बैठे हैं, ये रील व्हील देख रहे हैं जरा। मैंने इनको बोर कर दिया एक तरह से, लेकिन कोई बात नहीं भाई, इनका टाइम पास भी होने वाला है बहुत तगड़े वाला। पूछो कैसे, वो ऐसे क्योंकि अपन लोग जा रहे हैं राइड पर, और भाई 100 में से 90% तो जा रहे हैं भाई मेरे साथ, बाकी मैं तो जा ही रहा हूँ। और बाकी आने वाले टाइम में जो है तुम्हारा भाई सोलो राइड स्टार्ट करने वाला है, बिल्कुल सोलो। जैसे इस बार भी ये लगा लो, राजस्थान का भी सीन ये है कि अगर पुन्ना भाई 1% मना करते हैं तो मैं अपना प्लान बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा, मैं अकेला ही निकल जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये अपडेट देनी थी आपको, इसी वीडियो में आपको अपडेट दे दी कि राजस्थान राइड होने वाली है। हाँ थोड़ा सा ये है कि आज वेडनेसडे है, तो भाई आज, हाँ नहीं नहीं, आज ट्यूसडे है, आज आप ये वीडियो देख रहे हो, फिर आने वाले टाइम में जो है भाई हम निकल जाएंगे, मतलब फ्राइडे सैटरडे में हम निकल जाएंगे, क्योंकि पुन्ना भाई का थोड़ा सा क्या होता है दुकान वुकान का भी हिसाब किताब रहता है, तो भाई थोड़ा वीकेंड पे जो है ज़्यादा कस्टमर आते हैं, मतलब कि आप लोग आते हो, तो इस वजह से तो थोड़ा देखना पड़ता है। तो इस वजह से अगर हुआ तो हम निकल जाएंगे सैटरडे वैटरडे में, फ्राइडे सैटरडे में। अगर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ही थोड़े मतलब काम को लेकर रहा प्रेशर भाई के ऊपर, तो भाई हम मंडे की सुबह तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि उसमें ये होगा कि पूरा वीक मिल जाएगा हमारे को, मतलब हमारे को क्या पुन्ना भाई को बेसिकली,
क्योंकि दुकान वाला बंदा जो है ना उस वो अपनी भाई पहले दुकान को भाई आगे रखता है, और रहना भी चाहिए भाई, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी वो रहनी चाहिए। जैसे हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी राइड होती है या वीडियो होती है, क्योंकि क्या है कि हमारा वीडियो वीडियो से ही सारा एक तरह से बोलूँ हिसाब किताब चलता है, अर्निंग जो होती है वो वीडियो के दम पर ही होती है, ठीक है। तो ऐसे ही इनकी दुकान के दम पर होती है सारी अर्निंग, तो ये टाइम तो ज़्यादा वही देंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी भाई उसी को देंगे, तो वही चीज़ है। फिलहाल ये राइड पे जा रहे हैं, इसमें बस ये कि ये घूमेंगे और जो इनके हाथों में चुल है राइड करने की, बाइक लंबी चलाने की, क्योंकि नई बाइक जब बंदा लेता है तो होता है कि भाई मैं भी जाऊँगा, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। तो इसलिए ये राइड पे जाएंगे मेरे साथ और मैं तो जाऊँगा ही आप लोगों के लिए, अपने लिए। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर वीडियो एंड कर देते हैं ना। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय, वुम वुम।